हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर फर्स्ट रनिंग फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द प्लांट पार्ट एज अ फूड। हियर वी गो डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेस ऑफ फूड। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल सोर्स। प्लांट डिस्कस कर लिया है, आज एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड डिस्कस करते हैं। कौन कौन से जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जो फूड में यूज होते हैं, विच आर द एनिमल प्रोडक्ट्स विच विल बी यूज इन और विच विल बी यूज एज अ फूड। अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मिल्क के बारे में। मिल्क इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। विच एनिमल्स? काउ, बफेलोस, गॉट, कैमल, इनसे ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन जो मिल्क प्रोड्यूशन में ज्यादा यील्डिंग कैपेसिटी होती है, काउज एंड बफेलोस यील्ड मोस्ट ऑफ द मिल्क। गॉट एंड कैमल आल्सो, पर कैमल का आपको बता दूं बहुत जो मिल्क होता है बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन उसमें इतना अच्छा होता है कि निकलने के तुरंत बाद आपको इसको पीना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, खराब हो जाता है, बदबू होने लग जाती है। ठीक है, और बफेलोस के जो मिल्क की तो क्या यूज की जाती है, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स। बफेलोस मिल्क मोस्टली जनरली यूज फॉर मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स। और एक कैटेगरी आपको बताऊं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनको मिल्च एनिमल भी कहते हैं। कौन से एनिमल कहते हैं? मिल्च एनिमल। दैट मीन्स द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेशन पे आपसे पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? व्हाट यू मीन बाय मिल्च एनिमल्स और गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ मिल्च एनिमल। या तो एग्जांपल पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म अंडरस्टैंड होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल्स किसे कहते हैं? विच प्रोड्यूस मिल्क। मिल्क प्रोड्यूसिंग कौन से एनिमल्स? ये सभी मिल्च एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट्स का डिस्कस करते हैं। मीट, नॉन वेज है ये मीट, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट, चिकन एंड फिशेस। ये मोस्टली ये एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है और कौन इंटेक करता है? अपोलो करता है। ह्यूमन बींग्स, दैट मीट इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स व्हिच इज मेड अप ऑफ गॉट, चिकन एंड फिश। चिकन में क्या आ गई? हैन आ गई, आपकी मुर्गी आ गई, सही होता है। नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट्स एग्स। एग्स जो है ये पोल्ट्री बर्ड्स होती है। पोल्ट्री बर्ड्स जो फार्मिंग बर्ड्स होती है, जब इसे फार्म हाउस बना रहता है, फार्मिंग वहां पे ये बहुत सारी हैंस का हो गया, डक का हो गया, ये पोल्ट्री बर्ड्स होती है, इनसे ऑब्टेंड होता है। इनको एनिमल प्रोडक्ट्स में एग्स के रूप में और मीट के रूप में, दोनों के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, पोल्ट्री बर्ड्स। नेक्स्ट अवर एनिमल प्रोडक्ट्स मैरिन फूड। मैरिन वर्ड समुद्र से बना है, मीनिंग होता है समुद्र, सी कुछ भी कह सकते हैं, बड़े हैं तो ओशन से आते हैं। तो मैरिन फूड में मोस्टली फिशेज आती है। क्या आती है? फिश आती है, अबंडेंस में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनमें मैरिन फूड में और इनको सी फूड भी कह सकते हैं अपन, सी फूड है। और भी चीज़ें ऐड हो गई इसमें, प्रॉन्स इट इज ए टाइप ऑफ ऑल्सो फिश, श्रिम्स, क्रैब्स, ये चीज़ें भी ऐड की जाती है। तो ये मैरिन फूड्स कैटेगरी में आ रहा है। अब यहाँ पे वर्ड आया है पीसी कल्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसी कल्चर? तो जो रियरिंग एंड मैनेजमेंट होता है फिश का, मतलब फिश को रियर करना, फिशेस को पालना, उनका मैनेज करना फॉर मीट पर्पज और अदर पर्पज, उस प्रोसेस को पीसी कल्चर कहते हैं। रियरिंग, आपसे ये भी डेफिनेशन में पूछ सकते हैं, रियरिंग एंड मैनेजमेंट, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश या फिशेस, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट है हनी। हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट नेम हनी। हनी भी मधुमक्खी को कहते हैं, घर पर जो मक्खी आती है वो हाउस फ्लाई होती है। जो हनी भी बड़ी वाली आती है, छोटी, इनमें भी अलग अलग हनी बीज की कैटेगरीज है। तो हनी बी से हनी ऑब्टेंड होता है। और हनी का यूज किस किस में किया जाता है? फूड के रूप में यूज करते हैं, इट इज यूज एज इन फूड, मेडिसिन पर्पज में और
एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक, और नरिशमेंट में भी यूज करते हैं, नरिशमेंट में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आया है, एप्रीकल्चर, एक नई टर्म आई है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रीकल्चर? रियरिंग ऑफ हनी, रियरिंग ऑफ हनी, रियरिंग ऑफ हनी बी, और ये सब जो भी हो रही है रियरिंग मैनेजमेंट, ये एक स्मॉल स्केल पे नहीं होती, लार्ज स्केल पे होती है। रियरिंग एंड मैनेजमेंट फिशेज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर, एंड रियरिंग ऑफ हनी बी एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपिकल्चर। आप बुक में जो चीज पढ़ेंगे अंडरलाइन कर सकते हो एग्जांपल्स को, आपके पेज नंबर A6 और A7 के ऊपर है, ठीक है। फिर आपको इसका होमवर्क भी मिलेगा, असाइनमेंट जो टॉपिक होता है इसके अंदर से ही क्वेश्चन मेटअप होते हैं। आपसे बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है, गिव मी द डिटेल ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट्स व्हिच इज यूज्ड एज फूड, तो ये कैटेगरी है, मैं डिटेल में बता देता हूं, ऑप्टेंट आंसर दोनों भी लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं किसी भी एनिमल प्रोडक्ट्स का, कहां से ऑप्टेंट होता है एनिमल प्रोडक्ट, आपको भी नाम दे दिया, मिल्क इज एनिमल प्रोडक्ट, गिव मी द नेम्स ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम विच इट इज ऑप्टेंट, या फिर मिल्क एनिमल को बोला, व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क एनिमल, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या फिर व्हाट डू मीन बाय पिसिकल्चर, पिसिकल्चर क्या है उसके बारे में, या फिर व्हाट डू मीन बाय एपिकल्चर, इनके बारे में, तो इनके बारे में जनरली एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। वन मोर थिंग, जो भी अपना असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करके जो क्लासरूम ऐप है, गूगल क्लासरूम ऐप जिसपे आपको मिल रहा है सर, इसके अंदर कमेंट सेक्शन बॉक्स होता है जहां पर असाइनमेंट मिलता है, नीचे कमेंट के अंदर आप उसमें अटैचमेंट डाल सकते हैं पीडीएफ का, ठीक है, उसको टैग भी कर सकते हैं, पता चलेगा कि किसने करा है किसने नहीं करा नोटबुक में, तो नोटबुक मंगाई जाएगी तब चेक हो जाएगी, एटलीस्ट आप वर्क तो करिए। जब आपका असाइनमेंट पहले आंसर दिया जाता है तो यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ टू फाइंड आउट द आंसर्स, अपने आप ट्राई करिए, जितना होता उतना भेजिए। आपको 5 क्वेश्चंस मिले तो एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, तो एक रहता है रेयर हो तो भी भेजिए, और फिर कंप्लीट करने के बाद भी सेंड करिए, एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए। सब चीज आपको स्पून फीडिंग के रूप में नहीं मिलेगी, आपको प्रॉब्लम्स होगी, और क्रैमिंग नहीं करनी, अंडरस्टैंड करिए। मैं नहीं बोलता कि सबके आंसर्स अनसॉल्व रहती है, शीट तो सबके जैसे आते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो बड़े लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं सबकी लैंग्वेज वेरी करती है, ओके। आज के टॉपिक में डिस्कस किया मिल्क, मीट, एग्स, मैरिन फूड, पिसिकल्चर, हनी एंड एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, दीज आर द एनिमल प्रोडक्ट्स व्हिच इज यूज्ड एज फूड। होप यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड, एंड एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज अभी एक और असाइनमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।